जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर गहरी पकड़ और जबरदस्त नॉलेज रखते हैं तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत पे तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लाते रहे तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे जय हिंद जय भारत नफरती लिखी होगी तो फिर पढ़ लिख कर भी क्या होगा उसमें दो चीज जब आपको पढ़ना लिखना सिखा दिया जाता है तो आप पे डिपेंड करता है आप किस किस्म की किताबें सिलेक्ट करते हैं आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं लेकिन अगर आपको पढ़ना ही ना आता हो तो फिर क्या करेंगे आप आज आप उस जगह पे खड़े हैं आपको पढ़ना ही नहीं आता इस वक्त तीन करोड़ बच्चा पाकिस्तान का स्कूलों में नहीं जा रहा है उस बच्चे को आप किस तरह कहेंगे कि तो यू पिक पिक समथिंग वो फिर जाके इमरान खान के जलसे में नी करता है वहां बिरयानी खाता है पार्टी करता है और उसको कहा जाता है, ये जो नाचेगा, तेरे सारे माफ है। लेकिन, लेकिन सर जनरल किया गया वो भी तो यही कहा जा रहा है की इमरान खान के सपोर्टर है वो लेकिन मुझे उस पर भी एतराज है जनरल फैज साहब को उस वक्त क्यों ही पकड़ा गया जब वो ये सारी क्रप्शन कर रहे थे

आर टू मूव नाउ मेक लेकिन मुझे ये बताएं आज इंग्लैंड में जो हो रहा है अदालतें 24 घंटे खुली हैं 1300 लोगों को पकड़ा जा चुका है सजाएं स्पीडी ट्रायल पे दी जा रही है पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही पाकिस्तान में कौन रोक रहा है आपको नौ मई के लोगों को सजाएं देने से कौन रोक रहा है क्योंकि आपको आप कमजोर है, कम है? जवाब दिया जाता है अदालतें

हैरान हूं कि हम एक जैसे लोग हैं हम हम इंडस वैली के बच्चे हैं सारे हम हम देखा जाए तो वी आर वन इसमें कोई शक नहीं है इसमें कोई आ नहीं है मुसलमान तो आप कब हुए कुछ तो हुआ सदियों से आप आ रहे लेकिन वहां से कुछ लोग निकले हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान करके रख दिया इसमें कोई शक नहीं है अफसोस के साथ ही मैं कहूंगा उसका कन्फ्यूजन है हमें एक कन्फ्यूजन में रखा गया है सुबह शाम कि आप अरबी हो

इतने नेक थे कि वो कहते हैं कि जी सारा दिन शराब पीते थे इतने नेक थे वो वाइन पीते थे और सारा दिन वो गाने सुनते थे सारा दिन इतनी इबादत करते थे यही बताया जाता है क्या मैं इस पर क्या बताऊं और वही हमारा क्योंकि हम अपने आप को समझ नहीं पाए मैं कल किसी बड़े पढ़े लिखे बंदे को मैंने बड़े दलाल के साथ ये कहा है बड़े दलाल मैंने कहा मैं सारी दिन सारी जिंदगी मैकिया प्रिंस पढ़ता रहा हूँ की पावर पॉलिटिक्स का बादशाह है लेकिन उससे बहुत अरसा पहले सदियों पहले उससे पहले अर्थशास्त्रा लिखी जा चुकी थी में लेकिन हमने उसके ऊपर हिंदू की लगा के के उसको पढ़ने से कर दिया दुख के साथ बहुत, हम लोग वजह यह है कि दुनिया में हर मजहब को इस्तेमाल किया गया है लेकिन पता नहीं क्या बात है हम जो टू बिलियन है दुनिया के अंदर मुसलमान यहां हमारी दुकान को बहुत ज्यादा चल रही है जहां भी है दो बिलियन छोड़ दे पाकिस्तान को मैं एक सेकंड के लिए भूल जाए आप पाकिस्तान मुसलमान जहां भी है जलीलो खबार हो रहा है क्यों हो रहा है ये क्वेश्चन अगर अपने मुल्क में है तो उसके ऊपर अपने ही लोग अजाम, अजाब बन चुके हैं अगर बाहर है तो बाहर भी जूते खा रहा है अगर अपने मुल्क में तो वहां भी जूते वजह क्या है क्या वजह मेरा क्वेश्चन दो बिलियन मुसलमानों से क्वेश्चन है गजा के अंदर क्या नहीं हो रहा क्या नहीं हो रहा इससे ज्यादा आगे क्या होगा लेकिन सर लेकिन सर ईरान के लिए कहा जा रहा है कि जो अमेरिका है वो कह रहा है उससे टर्की से कि ईरान को समझाए कि वो अटैक ना करें इसराइल पे तो वो इसराइल को क्यों नहीं समझाता के ऊपर मारकुटाई बंद करे कितने लोगों की जाने चली गई है जिनको हमदर्दी नहीं थी अब उनको भी हमदर्दी हो गई अमेरिका टोनी बिल्कुल जो है वो हर मुल्क में जाके साथ साथ चक्कर लगा चुका है टोनी बिल्कन की हालत ये है कि मोहम्मद बिन सलमान अपने ऑफिस के बाहर बिठा के तीन तीन घंटे वेट कराती है

क्योंकि यहाँ पे जोइ लाभी बहुत स्ट्रॉग है बल्कि मैं सबसे सब यहां तक यकीन करता हूं कि अमेरिका को बनाने वाले ही साइंटिस्ट साइंटिस्ट थे और जो बैंकर थे वो अपनी एडवांस एजुकेशन लेकर आए सेकंड वर्ल्ड के बाद और उन्होंने अमेरिका की तरक्की में एक की रोल अदा किया और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उनके बगैर ये क्या है कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं तो उनको चैलेंज किस तरह करेंगे मैंने आपको पहले भी कहा था बर्नी सेंडर ने फ्लोर पे खड़े होकर कहा है कि सारा पैसा गाजा का हम दे रहे हैं सारे बम हम दे रहे हैं और हमारी बात तैयार नहीं तो बेचारगी का इजहार जो, जो आई है बला, क्योंकि मैं खुद बीमार रहा हूँ आपने देखा होगा अभी भी मेरी आवाज ठीक नहीं है लेकिन आरसू जो नई डेवलपमेंट उस एरिया के अंदर आई है ईरान इस वक्त डायलॉग दोबारा शुरू हो रहा है जिसमें कतर और इजिप्ट जो है रोल अदा कर रहे हैं सीज फायर की बात हो रही है जिसके ऊपर अभी एग्री नहीं किया लेकिन ईरान इरा, ने अपनी एक शर्त भेजी है कि आज भी अगर फायर कर दे गाजा के अंदर, तो वो अटैक नहीं करेंगे ये एक नई डेवलपमेंट है उसके बाद अमेरिका के अंदर जो नई डिवेलपमेंट हुई है अगले दिन रैकेड बात की है हमारे इलान मस्क ने और डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने एक ब्लॉग किया जिसमें रैकर्ड जिसको किसी ने बताने की कोशिश नहीं की सी की कल की खबर यह थी कि उन्होंने बीस झूठे इल्जाम लगाए हैं लेकिन यह नहीं बताया कि लोग मिलियन लोगों ने उनकी उनकी, 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 उनकी स्पीच को सुना इंटरव्यू को सुना लेकिन अमेरिका के अंदर भी देखा कि मीडिया जो है और द पीपल अकॉर्डिंग टू सी एन एंड कैमला हैरिस इलेक्शन जीत चुकी है, Donald Trump चुका है लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया की हालत खराब है नए ब्लॉक बन रहे हैं इस वक्त नए ब्लॉक के अंदर आप देखेंगे कि इस वक्त जो अमेरिका है बिल्कुल अगर देखा जाए अमेरिका और भारत के आपस आप की दराड़े बढ़ती जा रही है फासले बढ़ते जा रहे हैं आप उसमें आपके एरिए के अंदर खासकर जहां आप बैठी हैं वहां पे भी नए ब्लॉक बन रहे हैं Uh, आपके हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब मालदीप गए मालदीप इज ट्राइड टू मेक कमिंग आउट ऑफ द चाइना बैक द इंडियन कैंप लेकिन इस वक्त अगर मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर जयशंकर साहब और uh, uh, जो मोदी साहब हैं, दे आर वरीड अबाउट बांग्लादेश देखें उसमें अगर uh, हसीना वाजिद को वहां पे uh, सियासी पनाह दी जाती है तो एंटी uh, इंडिया जो चीजें हैं वो बांग्लादेश के अंदर जोर पकड़ेंगी आ, एंटी हिंदू ज्यादा अटैक होंगे हालांकि कल डॉक्टर यूनि साहब एक मंदिर में गए उन्होंने स्टेटमेंट दी लेकिन अभी तक पुलिस उनकी वापस अपने अपने थानों में जगह पे जाके नहीं बैठी जिसकी वजह से हिंदू स्टिल फीलिंग अनसेफ दूसरा बांग्लादेश जो है इस वक्त अगर देखा जाए तो उनका मुतालबा है भाई आ, सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन बार एसोसिएशन ने कहा है कि हसीना वाजिद को वापस दिया जाए हमें हम इनको ट्राइल करेंगे उनके ऊपर कतल का केस चलाएंगे लेकिन उसपे अभी तक भारत ने उसका कोई जवाब नहीं दिया लेकिन अगर कल को सुप्रीम कोर्ट ये तो एक एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला करती है तो भारत के लिए मुश्किल होंगी दूसरा भारत के कुछ लोग ये समझते हैं कि हसीना वाजद फ्यूचर पोलिटिकल फ्यूचर इन इन बांग्लादेश कल को इलेक्शन होते हैं तो वो इलेक्शन जो है तो उसमें हिस्सा लेंगी यहाँ पे हसीना वाजिद के जो लड़के हैं वर्जीनिया के अंदर

कि हम अपने सियासी वर्करों को अकेला नहीं छोड़ सकते तो यही होता है जिस तरह का देखे ना मैं बताता हूँ हम हम एक ही मिट्टी के बने हैं सब लोग बंगाली भी तो हमारे जैसे ही है ना भाई हैं हम इकट्ठे थे पहले कभी भारत भी हम इकट्ठे थे तो हमारी मिलती जुलती चीजें हैं तो थोड़ा सा फर्क है भारत का थोड़ा, थोड़ा सा मैं थोड़ा, थोड़ा सा डिफरेंस ये रखूंगा कि भारत के लोग जो हैं वो हमसे मेरा ख्याल है कम करप्ट हैं क्योंकि जितने भी पाक उनके सबका वजीर आजम हैं उनके, जितने, साबक चीफ जस्टस है, उनके साबक जितने आर्मी चीफ हैं वो भारत में ही रहना पसंद करते हैं वो भाग कर लंदन नहीं जाते वो भाग कर टोरटो नहीं जाते हसीना वाजिद के ऊपर भी बिल्कुल ऐसी ही एलिगेशन मौजूद हैं कि उनकी लूटी हुई रकम जो है वो अमेरिका में है वो फिनलैंड में है जहा जहाँ उनके रिश्तेदार हैं वहां पे उन्होंने पैसे अपने रखे हैं और करप्शन के कई चार्जेस उनके ऊपर भी हैं जो कि हमारे पाकिस्तान का हमारा तो हर जिंदगी का हिस्सा है हम तो बच्चा पैदा होता है तो वो पाकिस्तानी पैदा नहीं होता उसका वो हॉस्पिटल में नर्स को बता देता है कि मैं तो भाई लंदन वासी हूँ मैं तो टेम्परेरी पर आया हूँ पाकिस्तान में ट्रांसट पर पंद्रह बीस साल यहाँ रहूंगा फिर डंकी लगाऊंगा लंदन जाऊंगा टोरटो पहुंच जाऊंगा तो यहाँ पे

फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत